नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर चौधरी विजेंद्र सिंह मैदान में नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ लोकसभा का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। जयकोट दो बार के सांसद सतीश गौतम मैदान में है, वही चार बार के पूर्व के विधायक व एक बार के सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा मैदान में ताल ठोकने के बाद अलीगढ़ के सियासी समीकरण बदल गए हैं। जाट नेता के रूप में पहचाने जाते हैं चौधरी विजेंद्र सिंह। अलीगढ़ मिनी छिपरौली कहा जाता है, जहां जाट वोट बैंक सबसे ज़्यादा है। मिनी छिपरौली में चौधरी विजेंद्र सिंह की दहाड़ किस तरीके से काम कर रही है, अगर बात जाट नेताओं की कही जाए तो चौधरी विजेंद्र सिंह जाट नेताओं में अपनी अलग पहचान रखते हैं। 2024 के चुनाव में किस तरीके का रुख रहेगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो सियासी समीकरण हैं हर रोज़ बदल रहे हैं, राजनीति में सियासी समीकरण बदल रहे हैं, तो चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे? सियासी समीकरण हर रोज़ बदल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी परिभाषा सियासी समीकरण बदलती है, मेरा कहना है आम जनता की 36 बिरादरी हिंदू मुस्लिमों की तमाम आवाज जो है आवाम की आवाज बन गई है, वो बदलाव चाहती है। अलीगढ़ में टिकटों का समीकरण है, उधर उपाध्याय जी हैं, उधर सतीश जी हैं, इधर दोनों पार्टियों के गठबंधन में विजेंद्र सिंह हैं। नंबर 3, कैंडिडेट का ईमान, चरित्र, व्यवहार, वाणी, कारनामे, ये सब जनता की अदालत में काम आते हैं। ये तीनों ही उनके खिलाफ जा रहे हैं, इसीलिए तो जनता में उनका विरोध हो रहा है जगह जगह। जनता बदलाव चाहती है, तो समीकरण कहाँ बदले? जैसा किया है वैसा भोगेंगे, इसमें बुराई क्या है? इकलौते जाट नेता है, अलीगढ़ को मिनी छिपरौली कहा जाता है, इस चीज़ का भी कोई फायदा मिलेगा क्या? बिरादरियों के नेता होते हैं, पैदा तो कोई कहीं हो सकता है, ये तो भगवान पैदा करता है। नेता तो आम जनता का, किसान, मजदूर, नौजवानों का होता है, देश की आवाम का नेता होता है। मैं 5 बार MLA MP रह लिया, 2 बार जीता हुआ आ रहा हूँ, फिर ईश्वर की कृपा होने की पूरी उम्मीद है मुझे, आशा नहीं विश्वास है। तो ये बिरादरी का नेता हूँ, ये आवाम तमाम दिखाई दे रही दरवाजे पर, क्या हाल हो रहा है? ये एक जात है, ये सातों जात है। हम जातिवादी की राजनीति नहीं करते, बल्कि सब जातों के सम्मान की, सबके हिस्से की राजनीति करते हैं, देश की एकता अखंडता की राजनीति करते हैं। पूर्व सांसद का विरोध हो रहा है, उसका आपको फायदा मिलेगा? ये कौन नहीं जानता, ये चुनाव अलीगढ़ में अपने कारनामों को छिपाने के लिए मोदी योगी का नाम लेते हैं। अब जनता जान गई है कि मोदी योगी दिल्ली में और लखनऊ हो सकते हैं, लेकिन अलीगढ़ में तो जनता को अपने सम्मान, स्वाभिमान, हिस्सा, ये तमाम चीजें, दुख और सुख में सांसद चाहिए, या सांसद का नाम 0। अब कब तक दिल्ली और लखनऊ के नाम पर रोटी खाते रहेंगे? ये नहीं चल पाएगा अब देश में। सांसद जी, मेरा आखिरी सवाल है, भाजपा की अगर बात कही जाए तो दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है, हर रोज कोई ना कोई नेता आ रहा है, डिप्टी CM आ रहे हैं, CM आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। आपकी तरफ से फिर राजगब्बर साहब और 2 और लोग आए थे, उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया, क्या वो वजह है जो दिग्गजों का जमावड़ा जो अलीगढ़ में लग रहा है भाजपा की तरफ से, क्या मानना है आपका? भाजपा जान दिए कि मारने जा रहे हैं, 6 VIP आ गए, मेरा तो एक भी नहीं आया, वो तो नॉमिनेशन में आए थे, CM हुड्डा जी और सब लोग, राजबब्बर वगैरह चुनाव में कहाँ थे? नॉमिनेशन तो कोई किसी कारण चला जाता है, नहीं समझे आप? लेकिन अभी तो मेरा कोई VIP नहीं आया, मेरी तो जनता लड़ रही है और जनता ही लड़ेगी, न मेरा 1 रुपया लग रहा है चुनाव में, जनता ही अपना खर्च कर रही है, जनता ही चुनाव लड़ रही है। किस तरीके का समर्थन वगैरह मिल रहा है? प्रचंड बहुमत है जनता का, प्यार की अपार सीमा है, एक शरीर में सांस रहेगी, एक खून की बूंद रहेगी, बह बह के जनता की सेवा करके दूंगा। 2 ऐसे मुद्दे बता दीजिए जो जनता के लिए नहीं किए हैं पूर्व सांसद ने और आपके द्वारा किए जाएंगे, सिर्फ 2। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, 2 क्या बता दूं? एक तो जनता का अपमान इतना किया कि सीमा तोड़ दिए, एक मुद्दा तो यही है। दूसरा, वो प्रॉपर्टी डीलों से दोस्ती करके जनता को धमकाते हैं, थाने तहसीलों से उनके कैसे संबंध है ये भी जनता ही बता देगी, उन्हें पूछ लो, मैं नहीं कहना चाहता, धन्यवाद। ये थे चौधरी विजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद हैं व 4 बार के पूर्व विधायक हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके द्वारा एक तरफा जीत के दावे किए हैं, यानी कि जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो चुनावों में जीत हासिल करने वाले, ऐसा चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा कहा गया। ABP लाइव से खालिक अंसारी, अलीगढ़। ABP गंगा,
खबर आपकी, जुबा आपकी।